चंद्रयान की सफलता के बाद भारत अब एक नए मिशन के लिए तैयार है, चांद, सूरज और अब दोबारा मंगल। इसरो दोबारा मंगल की यात्रा की तैयारी कर रहा है। 24 सितंबर 2013 इस दिन पहली बार इसरो ने मंगल पर स्पेसक्राफ्ट भेजकर इतिहास रच दिया। इस तरह का कारनामा तब तक किसी स्पेस एजेंसी ने नहीं किया था। इस उपलब्धि के 9 साल बाद एक बार फिर इसरो के वैज्ञानिक मंगलयान 2 भेजने की तैयारी कर रहे हैं। मंगलयान 2 के साथ इस मिशन का नाम होगा मार्स ऑर्बिटर स्पेस मिशन 2। इसमें मंगल ग्रह पर एक और स्पेसक्राफ्ट भेजा जाएगा। ये 4 पेलोड्स लेकर जाएगा। इन सभी पेलोड्स को अभी बनाया जा रहा है। मंगलयान 1 मिशन का क्या हुआ? 8 साल 8 दिन के बाद इस शानदार अंतरिक्ष मिशन का ईंधन और बैटरी दोनों खत्म हो गए। अब मंगलयान से किसी तरह की कोई खबर नहीं आएगी। मिशन सिर्फ 1 महीने के लिए भेजा गया था, लेकिन इसने लगातार 8 सालों तक बेहतरीन काम किया। ये दुनिया का सबसे सस्ता इंटरप्लेनरी स्पेस मिशन था। लागत थी 450 करोड़। इतने में तब हॉलीवुड की फिल्में बना करती थी। मंगलयान इसने ऐसी तस्वीरें दी, ऐसे डेटा दिए जिससे हमारी और दुनिया की मंगल की समझ और बदल गई। भारतीय वैज्ञानिकों ने सिर्फ ये देखने के लिए मंगलयान छोड़ा था कि टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन किया जा सके, लेकिन हमारे मंगलयान ने इतना बेहतरीन काम किया जो किसी भी देश के स्पेसक्राफ्ट ने आज तक नहीं किया। मंगलयान के मार्स कलर कैमरे से ली गई तस्वीरों में से 1000 से ज्यादा फोटो से मार्स एटलस बनाया गया। मंगलयान 2 कैसे अलग है? इस मिशन का मकसद मंगल ग्रह की अलग अलग पहलुओं का अध्ययन करना है। मंगलयान 2 के स्पेसक्राफ्ट में 4 पेलोड्स लगे होंगे। चंद्रयान 3 की तरह ही मंगल पर मंगलयान 2 लैंड करेगा और वहां की धूल का अध्ययन करेगा। ये मिशन अपने साथ ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर को लेकर जाएगा और वहां की सतह की स्टडी करेगा। मंगल की धूल, वातावरण और पर्यावरण की स्टडी की जाएगी। इसमें मार्स की अनदेखी तस्वीरें देखी जा सकेंगी। मंगलयान 2 के रोवर को विकसित किया जा रहा है जो इलेक्ट्रॉन टेम्परेचर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेव्स को मापने में मदद करेगा। रोवर में एक लैंगमुइर जांच और 2 इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स लगे हैं जो मंगल ग्रह की तस्वीरें देंगे। ये मिशन इतना जरूरी क्यों है? दरअसल वैज्ञानिक इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि पृथ्वी के अलावा ब्रह्मांड के किसी अन्य ग्रह पर भी जीवन है या नहीं, या जीवन संभव है या नहीं। पृथ्वी के अलावा मंगल ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन की संभावना हो सकती है, क्योंकि वहां वायुमंडल और बर्फ भी मौजूद है। रिसर्च में हमें ये समझने में मदद मिलेगी कि मंगल ने अपना तरल पानी क्यों और कैसे खो दिया। यही वजह है कि दुनिया भर के वैज्ञानिक मंगल पर अपनी जानकारी को और मजबूत करना चाहते हैं।